ये देखो, जब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया तो इस तरह का बॉक्स आया। देखो ये बड़ा बॉक्स है एकदम, अच्छा पैकिंग के साथ एकदम प्रॉपर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा खोल के डायरेक्टली अंदर का चीज़ दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? देखो आज ये जो मशीन है ना, आप हैरान रह जाओगे कि इस मशीन से मैंने कैसा कैसा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक्चुअली स्टेनलेस स्टील का है, देखो ये जो है ना, इसमें जंग नहीं पड़ता इस मटेरियल में। तो ऐसा वाला पावरफुल मशीन लेके आया मैं, वैक्यूम क्लीनर। तो ये आपका ये जो मशीन है ना, आपके अपने खुद के घर के लिए सोफा बेड हर जगह पे क्लीन करने के लिए, बस मैट बस फ्लोर पे अगर पानी गिर गया तो फ्लोर क्लीन करने के लिए, बस आपके पास अगर अपना कार है तो फिर कार के अंदर वैक्यूम मारने के लिए, मतलब टू इन वन सर्विस है इसमें। मतलब इसमें ब्लोअर सिस्टम भी होगा और बाद में वैक्यूम भी होगा, मतलब दो सिस्टम है इसमें। तो मैं आपको इस मशीन से ना अभी मतलब थोड़ा पत्थर और मतलब थोड़ा दुनिया भर का कचरा हर चीज़ बाद में खींच के बताएंगे। देखना इस मशीन में मैं पूरा पानी भी खींच के बताऊंगा, मतलब बहुत ही वैरायटी का आज इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखो ये क्या है, मशीन जो है ये गाउचेंग पावर टूल्स प्रोफेशनल वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, मतलब गीला सूखा हर तरह का चीज़ है वो अपने अंदर खींच सकता है, इतना पावर है इसमें, है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता अभी अंदर का खोल के अंदर का क्या सीन है, और फटाफट करेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। यस, ऐसा सुला के निकालेंगे, नहीं तो वो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से ऐसे ही निकालेंगे। ओके सबसे पहला थर्माकोल निकला अंदर से सेफ्टी के लिए ऐसा। और ये देखो मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको दिखा के करता है, देखो ये ठीक रहेगा। देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, सबसे पहला निकला एक पाइप। ओके इतना बड़ा है पाइप, ये देखो मतलब एक मीटर, मैं बताता हूँ, मुझे लगता है डेढ़ मीटर कुछ है लंबा पाइप ये। ओके और यहाँ पर कुछ है, हाँ ये थ्रेड सिस्टम तो लगता है ये। ओके ऐसा कुछ सिस्टम है, इसको लॉक लगता है ऐसा। चलो साइड में रखता, मैं बाद में लगाता हूँ इसको। ओके ये है, और बाद में ये देखो अगर फ्लोर पे कुछ कचरा है, पानी में नहीं कुछ गिर गया तो ऐसा खींचने के लिए सिस्टम है, ये देखो ऐसा सिस्टम है। चलो ये भी साइड में रखता हूँ। ओके ये ट्रॉली फिट होगा इसके ऊपर, ये जो व्हील टाइप है आप अगर से तो फिट कर सकते हो, अगर आप फिट करोगे तो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली एक चीज़ मेरे तो फिट ज़्यादा टाइम नहीं करता, मैं ज़्यादा टाइम ऐसे ही चलता हूँ, फिर आप फिट कर सकते हो आपके लिए अच्छा है। मतलब ऐसा ट्रॉली टाइप, मतलब आप जिधर जाओगे वहाँ पर आप ऐसा खींच के लेके जा सकते हो। अगर आप अपना कार के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर कार के चारों ओर ऐसा खींच के व्हील टाइप ऐसा लेके जा सकते हो। ओके ये कुछ पाइप के अंदर लगेगा लगता है, ये वाला सिस्टम है, उसमें थर्माकोल निकालेंगे बाहर। अच्छा इसके साथ, अच्छा ये और एक चीज़ दिया है, देखो इसमें दो टाइप है। हाँ, ये देखो ये दो टाइप दिया हुआ है लोगों ने, मतलब मुझे लगता है ये देखो ये वाला जो है ना, ये डस्ट खींचने के लिए रहेगा, जिसमें इसमें ब्रश लगा हुआ है, देखो ऐसा ब्रश लगा हुआ है दोनों साइड से। और ये वाला लगता है लिक्विड पानी के लिए होगा, देखो। ओके ये वाला पानी के लिए, दोनों साइड व्हील लगा हुआ है ऐसा, इस साइड एक व्हील इस साइड एक व्हील, और ये रबर का पट्टी दिया है ऐसा, ताकि ये पानी इजीली खींच के अंदर ले सकते हो। तो दो दिया हुआ ऐसा वाला, काफ़ी हेवी ड्यूटी सिस्टम है वो, प्रोफेशनल है वो, मतलब अपना कार वॉशिंग सेंटर है, कमर्शियल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे अपना पर्सनल घर के लिए भी ले सकते हो। हाँ और मेन बात यह है कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है वो, ये मेन बात है। यस वजन है थोड़ा, मुझे लगता है 4-5 किलो वजन होगा वो। इसके अंदर और क्या सामान है पीछे रह गया वो मैं निकल के दिखाता हूँ, ये पहले साइड में रखता हूँ। ये क्या है? ओके हाँ ये देखो स्टील का कोई एक रॉड है वो, मुझे लगता है ये पाइप में लगेगा, वो पाइप में फिटिंग हो जाएगा। मैं आपको भी आगे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ सिस्टम दिया हुआ है, लॉकिंग सिस्टम। ओके ये पाइप में लगता है फिट होने वाला है, एकदम भारी है वो, ऐसा लोखंड जैसा है, स्टील का है वो। ठीक है ये मैं साइड में रखता हूँ। और क्या है? यस वाओ लुक वाइज बहुत खूबसूरत। देखो इसमें भी इधर व्हील सिस्टम लगेगा, ट्रॉली लगेगा इसमें, देखो आवाज़ आ रहेगा वाह ये तो बजाने जैसा हो गया आवाज़, वाह अच्छा है कभी आप टाइम पास के लिए पीछे बजा सकते हैं इसको, ड्रम टाइप मजाक कर रहा हूँ मैं। ओके इधर पावर बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका स्पीड, हाँ पावर ऑन ऑफ, इधर स्पीड। ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा मुझे, अभी तक मुझे कौन सा वैक्यूम क्लीनर में ऐसा मुझे स्पीड कम ज़्यादा वाला सिस्टम नहीं दिखा दिया। इसमें आप जितना ऐसा इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इसका वैक्यूम स्पीड बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा उसका। ओके और ये देखो यहाँ से आप ब्लोअर सिस्टम है, ब्लोअर सिस्टम, और यहाँ पर है इनपुट सिस्टम, मतलब आप कचरा खींच भी सकते हो, प्लस यहाँ से हवा ऐसा फेंक भी सकते हो। मतलब जैसे कि आपके घर में अगर फ्रिज है तो आप फ्रिज के उधर देखो आइस बिल्कुल जमा हो जाता है, तो आप ऐसा हवा मार के उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हो फ्रिज का आइस को। और बाद में जैसे आपने कार वॉश करे तो आपका कार के अंदर इंजन में अगर पानी चला गया तो आप इसमें हवा मार के उसको सुखा सकते हो ऐसा, बाद में बाइक के इंजन में भी हवा मार के सुखा सकते हो, इस तरह का काम आप कर सकते हो ब्लोअर से। ओके और कहीं से डस्ट वेस्ट क्लीन करना है, आपका घर में फैन है, फैन में डस्ट लग गया, टेबल फैन वगैरह है, वो भी आप इसका हवा से हवा मार के से क्लीन कर सकते हो ब्लोअर सिस्टम। चलो इसमें भी साइड में रखता हूँ और देखता हूँ अंदर अभी क्या है, पहला बाद में प्रॉपर फिटिंग करके और ज़बरदस्त इसका एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा मैं आपको। ओके ये दिया हुआ है, यस ऐसा बाद में वो जो रहता है ऐसा 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 कचरा वगैरह क्लीन करने का काम आएगा ऐसा वाला। ये देखो ये आगे का दिया हुआ है। ओके ओके कुछ वारंटी कार्ड दिया हुआ है लोगों ने, और मैनुअल और वारंटी और भी कुछ होंगे साथ में ये चीज़, और बाकी सब कचरा। चलो ठीक है इसको मैं भी साइड में रखता हूँ। ओके अभी हम इसको चालू करके देखेंगे।
इसका तार देखेंगे, पावर कट कितना लंबा है ये भी थोड़ा ज़रूरी है आपको बताना, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये देखेंगे ये 1 मीटर, ओके 2.5 मीटर है ये वायर, और कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ अजीब सा कलर दिख रहा है इधर, ऐसे ही है, ओके परफेक्ट है एकदम चकाचक। बस मुझे एक चीज़ बेस्ट लगा ये देखो, ये कम ज़्यादा करने वाला सिस्टम जो मुझे मैंने अभी तक कौन सा वैक्यूम क्लीनर में नहीं देखा। चलो एक काम करते हैं, मैं अभी सबसे पहले इसको ऐसे उल्टा रख के, ऐसा उल्टा रख के इसको ट्रॉली फिट करेंगे पहला। ये देखो ये जो ट्रॉली है हम इसके ऊपर बिठाएंगे तभी अच्छा दिखेगा दिखने में ना। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, देखो आवाज़ आज थोड़ा सा चेंज है, मेरा गला ख़राब हो गया पता नहीं कैसे सुबह सुबह। गला ख़राब हो तो क्या करना, काम तो करना पड़ता है। देखो ये जो व्हील है आपको इसको इस ट्रॉली में ऐसा लगा देना है और यहाँ से आगे से ऐसा नट लगा देना है। ये देखो ऐसा ऐसा, ये आपको चारों ऐसा फिट कर लेना है। ये एक मैंने कर लिया, ये देखो ऐसा बाद में एक घूमेगा ऐसा नीचे का व्हील, तो ऐसा आपका चारों ऐसा फिट कर लेना है। बाद में आपको इसके ऊपर हम ऐसा वैक्यूम क्लीनर फिट करेंगे, बिठाएंगे वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों ये देखो मैंने ट्रॉली फिट कर लिया, चारों व्हील मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको ऐसे रखेंगे तो वो किधर भी ट्रॉली ऐसा घुमा सकते। देखो तो हम इस ट्रॉली के ऊपर अभी इस वैक्यूम क्लीनर को बिठाएंगे ऐसा। अभी अंदर तो मैंने खोल के नहीं देखा अंदर क्या है अभी तक। यस ये देखो ऐसा बैठ गया है, ये देखो ऐसा आप अपने घर में कहीं पर भी लेके जा सकते हो। वाओ बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको कैमरा नज़दीक ला के दिखाता हूँ चारों ओर से घुमा के, ये देखो ज़बरदस्त। और ये मैं इस स्विच का बात कर रहा था, ये इससे मुझे ऐसा लगा, एक्चुअली मुझे ये पता नहीं है ना, अभी देखेंगे चालू करके, मुझे ऐसा लग रहा है इससे स्पीड कम ज़्यादा होगा, ये पावर कम ज़्यादा होगा, ये तो हम देख ही लेंगे। पावर बटन दिया इधर ये सा सिस्टम, ओके ये देखो। अरे सब व्हील भी लगा दिया उसके पास, हम मस्त अभी ट्रॉली जैसा कहीं भी घुमा के ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इधर डिटेल दिया हुआ है 25 लीटर का ही है, 1400 वाट का है वो, ओके। और पर ब्रांडिंग वगैरह लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पर लगता है मोटर हो गया ऐसा अंदर और हवा जाने के लिए, ताकि मोटर ठंडा रहेगा कूल रहेगा इस वजह से, ओके। तो ये देखो पाइप के आगे वाला हिस्से में ये दो पार्ट आता है, ये देखो आपको ये रिंग टाइप है, इसको ऐसा अंदर डालना है और इसको ऐसा इसको थ्रेड ऐसा इसको टाइट कर लेना है, उल्टा थ्रेड एंटी क्लॉक वाइज इसको टाइट होता है ऐसा। एक्चुअली नॉर्मली टाइट कैसा होता है ऐसा होता है, पर ये उल्टा टाइट होता है। देखो ऐसा इसको टाइट कर लेना है मीडियम टाइप, ऐसा टाइट कर लिया बाद में इसको यहाँ तक रहेगा, और बाद में हमको इसको ये वाला पॉइंट है इसको आगे ऐसा लॉक कर देना है। देखो ये ऐसा ऐसा में ऐसा डाल देना है, लग जा यस, ये देखो कट करके आवाज आया ये लॉक हो गया, यस परफेक्ट। ये देखो ऐसा बाद में ये काम करेगा, और बाद में दूसरा वाला जो साइड है ये हम लगा सकते हैं इसका वैक्यूम क्लीनर के लिए, ये साइड ये देखो यहाँ पर ये, यस ये देखो ये लग गया। बाद में हम इसके गन के आगे ऐसा कुछ भी हम ऐसा इसको अटैच करके बाद में यूज़ कर सकते हैं, ये देखो ऐसा हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, ओके। और बाद में आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि ये हो गया वैक्यूम सिस्टम, पर आपको अगर ब्लोअर चाहिए मतलब हवा फेंकने वाला कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप इसको आगे साइड में लगा सकते हैं। ये ऐसा ये देखो ये हो गया आगे साइड में, अभी ये हवा फेंकेगा तो यहाँ से बाद में अभी हवा तेज़ी से निकलेगा एकदम ऐसा, तो अभी आपके कार के इंजन में या तो सोफा में कहीं पर अगर हवा मारना है तो आप इसको इजीली मार सकते हो, कई सारे अटैचमेंट है आप इसको लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। ये देखो ये एक ऐसा पाइप है जो अब तक मैंने कौन सा वैक्यूम क्लीनर में नहीं देखा, ये देखो ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखो मैंने आपको नज़दीक ला के दिखाता हूँ, ये देखो इसको आगे ऐसा पुश करोगे ना, ऐसा अगर आपने पुश किया ये देखो एक्सटेंशन रॉड जैसा है ना, आपको पाइप कितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप ऐसा फ्लोर में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए ये बड़ा ऐसा आपको छोटा चाहिए, इसको आगे पुश करो स्लोली उसको आप ऐसा, ये देखो वाओ ये देखो ऐसा आवाज़ ऐसा देखो ऐसा है ना, तो बहुत ही फास्ट इधर यहाँ पर देखो स्टेप स्टेप दिया हुआ है, देखो बहुत सारा स्टेप, मतलब आपको जिस स्टेप पे चाहिए आप उस स्टेप पे ऐसा उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो ये लॉक हो गया, देखो यहाँ पर कट करके ऐसा, तो आपको जिस स्टेप पे चाहिए उस स्टेप पे ऐसा कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल ऐसा चलो लंबा ही रखता हूँ, ओके ये देखो ये लंबा हो गया, ओके। तो हमको ऐसा अभी फ्लोर पे क्लीन करना है ना, ये जैसे कि ये वाला मेरे को ये तो ब्रश है घिसने वाला है तो मैट भी क्लीन करने को अच्छा रहेगा वाला, जैसे कि मैं अभी फ्लोर पे समझे बहुत सारा पानी गिर गया, अभी कौन मॉप मारते रहेगा, अब इस 2 मिनट का काम है इससे आप काम कर सकते हो। देखो ऐसा ये देखो ये मैंने आगे रॉड में जॉइन कर दिया, और बाद में सीधा आपका ये सिस्टम, ये देखो ये ऐसा रॉड एक्स्ट्रा रॉड, बाद में हमने सीधा इसको ऐसा जॉइन कर दिया, ये देखो परफेक्ट। ये देखो बाद में ऐसा इसको ऐसा इजीली आप फ्लोर पे ऐसा मस्त ऐसा चकाचक कर, इधर पानी गिर गया मस्त ऐसा क्लीन करो। तो ये आपको दिखा दे वाला एक्चुअली ये चीज़ काम कैसा करता है, सॉरी लेकिन मशीन के अंदर तो अभी तक दिखाई नहीं हूँ कि अंदर क्या है। ये देखो ऐसा लॉक ऐसा ऊपर करोगे तो ये खुल जाएगा, ये देखो ऐसा, और फिर से लगा के देखो ऐसा ये लगा ऐसा ये लग गया, और इसको ऐसा उठाओगे नीचे ऐसा ये लॉक खुल गया, ओके। अब इसको अंदर क्या है, वाओ फिल्टर सिस्टम, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है ड्रम के अंदर का सिस्टम, ये देखो ये है ड्रम के अंदर, ओके ये अच्छा है, स्टेनलेस स्टील दिया ये अच्छा है, टाइम पास के लिए आप कभी इसमें पानी भी इमरजेंसी में भर के रख सकते हो, ड्रम पानी का ड्रम बन जाएगा वो, ओके। अब ये दिया है, अरे क्या गिर गया इधर से मेरे हाथ से छूटा, ओके फिल्टर, हाँ ये देखो ये है परफेक्ट फिल्टर, एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। ये कौन सा फाइबर मटेरियल से बना हुआ है देखो, जिसके अंदर से जो ना डस्ट ऐसा इधर ही रह जाएगा लेकिन अंदर से ये बिल्कुल फ्रेश हवा निकलेगा इस वजह से,
ये डस्टिंग सिस्टम, इसमें डस्ट मतलब पार आर पार नहीं होता है, इस वजह से दिया। जैसे कहो गाड़ी के इंजन में भी एक फिल्टर रहता है ना, एयर फिल्टर, ये एक तरह का एयर फिल्टर जैसा काम करेगा ये वाला। ओके तो ये यहाँ से ऐसा हवा रिटर्न हवा अंदर खींच के लेगा वो, और कुछ नहीं है, बस ये ऐसा ही लग जाएगा देखो ऐसा ऐसा, लेकिन आपको फिल्टर के साथ लगाना है ऐसा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको, ओके इसको हम सबसे पहले ऐसा इसके अंदर डालेंगे ऐसा, ये देखो ये हमने डाल दिया उसके अंदर, और बाद में हमने इसको ऐसा इसको लगा देना ऐसा। लॉक पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम रखेंगे तो जो लॉक पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो जहाँ पर हम लॉक होगा ये सिस्टम, तो हमको ये चीज़ ऐसा रखना है। ये देखो ये परफेक्ट फिट हो गया, हम इसको वापस इसको लगा देते हैं ये साइड में ऐसा ही, देखो ये साइड में भी ऐसा ही है, देखो सेम टू सेम ये साइड ये भी ऐसा ही लगा दिया, ये अभी सिस्टम रेडी है। तो आपको डिटेल सबको समझ में आ गया ना, ये देखो मैंने इनपुट आउटपुट दोनों भी सेम साइड में लगाया, तो ये देखो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जैसे कि ये देखो ये हवा यहाँ से लेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो इसको घुमा के भी लगा सकते हैं, देखो ये दोनों तरफ से भी लगता है, ये देखो ऐसा हो ये ऐसा लगता है, देखो तो दोनों साइड में लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा लग गया, ऐसा ये लग गया, देखो यहाँ से अंदर अंदर हवा खींचेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ये ब्लोअर सिस्टम आप ये चाहे तो ये देखो ये फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चाहे तो इसको ऐसा खोल के यहाँ पर आप आगे भी ऐसा लगा सकते हो, ये देखो ये ऐसा लगा दिया, बस यहाँ से बाद में आगे से क्या होगा, बहुत तेज़ी से हवा निकलेगा, ये देखो यहाँ से बाद में बहुत तेज़ी से हवा निकलेगा, ये आप काम कर सकते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा रॉड लगा हुआ था देखो ऐसा, यस ये काफ़ी लंबा हो गया, वो बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी आप छोटा चाहिए तो मैं छोटा कर देता हूँ, ये पुश करके आ गया ऐसा बाद में इसको, यस ये छोटा हो गया, ये देखो ऐसा बाद में इजीली आप ऐसा काम कर सकते हो। वाओ, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इससे मट्टी पत्थर रेती पानी सब खींच के बताएंगे, देखना इतना पावर है सब कुछ खींच लेगा वो, तो डायरेक्टली लाइव एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको भी बताता हूँ। तो फाइनली ये रेडी है, ये देखो ये मेरा मशीन है, और ये देखो ये पाइप के साथ, ये देखो ये थोड़ा सा चावल लिया मैंने, यार कोई बोलना मत कि खाना वेस्ट करो, जैसे एक्सपेरिमेंट कर जरा सा लिया मैंने, ये देखो ये चावल है, ये चना है, और ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चीज रखा है, ये है बाहर से मैंने पत्थर लेके आया हूँ, ये देखो पत्थर, ये देखो ये मैंने पत्थर लेके आया हूँ, और ये है मेन चीज़ पानी, ये जो आधा बाकी जो आधा बाल्टी जो पानी है, हम इस पानी को खींच के बताएंगे मशीन से, मतलब पूरा लाइन से खींच के देखेंगे कहाँ पर स्टॉप होता है क्या होता है, मुझे पता है ये जल्दी से फाड़ देखना, फाड़ फाड़ कर सब कुछ खींच लेगा, इतना पावरफुल रहेगा मशीन, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तो देखना वीडियो को पूरा देखना यार, मज़ा आएगा देखना, स्किप मत करो इस सीन को। तो दोस्तों फाइनली मेन टाइम आ गया, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को चालू करेंगे, और मैंने बिल्कुल इसको जो है ना ये पॉइंट बिल्कुल लो पे रखा है, सर देखो बढ़ा सकते हैं ना कमा सकते हैं, तो उसको हम बिल्कुल लो पे रखा, बाद में चालू कर देंगे, देखेंगे ये चालू हो गया है ना, और फिर तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, देखेंगे बड़ा आवाज़ बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ रहा है, ये मीडियम रखा है सर 12 बजे, ये 1 बजे के टाइम पे ऐसा ऐसा रखा, और बढ़ गया स्पीड फुल पावरफुल एकदम, हवा आगे से निकल रहा है, हाँ आगे से हवा निकल रहा है, और यहाँ से बहुत पावरफुल खींचता है वो, एकदम तेजी से खींचता है वो, मतलब कुछ ज़्यादा एकदम पावर है ना, तो आवाज़ भी एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, नॉइज़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हवा एकदम खींचता है पावरफुल एकदम। चलो मैं काम करता हूँ, कैमरा और नज़दीक लाता हूँ, बाद में ऐसा करके सीन दिखाता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा, नहीं तो यहाँ से सीन नहीं दिखेगा आपको ना, इसलिए ओके। तो मैं अभी चालू करता हूँ, फुल पावर में देखेंगे, और लो भी मेरे को मज़ा नहीं आएगा, ये चालू कर दिया, वाओ ये देखो वो तेज़ी से खींच रहा है, ये देखो यार धड़ाधड़ अरे इधर क्या हो गया, देखो ये पत्थर अटक गया इधर, क्या पत्थर का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इधर से नहीं जा पा रहा है, तो मैं अभी क्या करता, आगे वाला जो है ना पॉइंट ये निकल देता हूँ, ये देखो ये अभी मोटा हो गया ना, यहाँ से इजीली जाएगा, ये आगे से थोड़ा बारीक पड़ गया, ये यहाँ से डस्ट वगैरह क्लीन करने को अच्छा है वो बारीक बारीक चीज़ें, लेकिन बड़ा चीज़ पत्थर भी तरह तो ये मोटा करना पड़ेगा ना, ये तो देखो आप ऐसा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है घर पे ऐसा, ये तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के मतलब बता रहा हूँ कि मशीन का पावर दिखाने के लिए, देखना ये वजन वजन पत्थर है ना वो भी खींच लेगा इससे नहीं हो, ये फेल हो गई, ये आगे से अटक गया पत्थर हो इस वजह से। चलो मैं फिर से चालू करता हूँ, अब देखेंगे, अरे अरे एक्चुअली पता है जब मैं ऐसा खींच रहा था ना ऐसा, जो फाट फाट कर स्टील का ना, इसके अंदर फाट 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 कर जोर जोर से आवाज़ आ रहा है, मतलब मशीन तेज़ी से खींच के और जोर जोर से मार मार रहा होगा इसके अंदर, फाट फाट कर जोर जोर से लग रहा है एकदम चलो कोई बात नहीं, मशीन है तो काम तो करना पड़ेगा ना। ओके मैं बाल्टी को साइड में रखता हूँ, और बाकी का खींच के दिखाने के लिए, एकदम खतरनाक आवाज़ हो रहा है अंदर, मतलब ये पत्थर जोर जोर से लग रहा है इसमें टंकी में जाके,
स्टील का है ना इस वजह से, वो नॉर्मल है कुछ नहीं। अच्छा ये तो ऐसे ही घूमता लगता है, मेरे को लगा क्या ढीला हो गया क्या बोल के, देखा था ऐसे घूमने वाला सिस्टम ही है। ओके बाकी का ये खिंचता है ऐसा, मतलब इतना स्ट्रांग पावरफुल एकदम, इसमें थोड़ा सा नॉइज़ी और ज़्यादा है वो, क्योंकि हवा हवा का आवाज़ ज़्यादा है इसमें, हवा बहुत तेज़ी से खींचता है ना इस वजह से ऐसा। ये देखो ये देखो ये देखो, वाओ अरे देखो क्लीन हो गया सब। हाँ पावर है इधर मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावर है इसमें, देखो जहाँ पर मेरा पॉइंट जाता है ना वहाँ पर एकदम सेकंड के अंदर वो फटाक से खींच लेता है। चलो मज़ा आया यार, अभी मेन बाकी अभी ये पानी का। यस अब मैं चालू करता हूँ मशीन, बाद में देखना ही, मुझे लगता है ये इतना पानी ना 3 लीटर पानी मुझे लगता है खींचने के लिए हाईएस्ट 2 सेकंड लगेगा, देखना 2 सेकंड के अंदर पूरा पानी खींच लेगा। ये चालू किया, रेडी 1 2 3 ओ ओ ये देखो गायब गायब पानी देखो पूरा गायब कर दिया, नहीं है कुछ सुखा लेंगे देखना देखो देखो यहाँ पर तो सूख गया तुरंत, पानी सूख गया, साइड में गिला है यहाँ पर देखो सूख गया है, मतलब 1 सेकंड के अंदर पानी भी सुखा लिया उसमें से, इतना तेज़ी से खींच लिया पूरा पानी खत्म कर दिया। एक काम करेंगे अभी ये टंकी खोल के देखेंगे अंदर क्या हाल हो गया, उसके अंदर पूरा मिक्स भाजी हुआ रहेगा पूरा। ओके ये भी पॉइंट भी खोल दिया, और बाद में ये लॉक इधर से बाहर, यस ये बाहर हो गया, और ये साइड से ये भी बाहर, बाद में इसको निकालता हूँ मैं क्या हाल हुआ देखेंगे अंदर ये देखो पानी भी नहीं सब मिक्स ये देखो पत्थर यह हाल हो गया देखो पूरा खींच लिया, अभी आधा ड्रम ही नहीं भरा, थोड़ा इतु से भर गया देखो, इतना इतना ना पानी भर गया देखो, थोड़ा इतु से थोड़ा पानी भर गया, अभी इतना 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 आप ड्रम भर सकते हो पानी से, अभी समझो किधर से कुछ पानी है गंदा कुछ भी है इसलिए ऐसा खींच सकते हो ऐसा। हाँ तो अभी ना लास्ट टेस्टिंग बचा है, ये देखो इसका ये जो रबर पैड है और दूसरा वाला ब्रश वाला है वो मैट वगैरह क्लीन करने के लिए, मैं वो नहीं करूँगा फिलहाल, आपको मैं पानी से करके दिखाता हूँ, ये जो रबड़ वाला सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, ये गंदा पानी फिर से नीचे गिराएंगे और पानी बिल्कुल फ्लोर एकदम क्लीन करके बताएंगे इस रबड़ वाला सिस्टम से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर का जो पानी है ये मैं इधर खाली कर लेता हूँ बाल्टी के अंदर ही। ओके ये जो मट्टी विट्टी वो अंदर ही रहने दो, कुछ नहीं हो जाएगा, ये मशीन हम फिर से फिट कर देंगे इसको। ओके अब ये पानी गिराएंगे नीचे और इसको ज्वाइन करेंगे इसमें। मेरा जगह थोड़ा छोटा पड़ जाता है यार, मेरा रूम काफ़ी छोटा है क्या करें, अभी मेरे पास है ही छोटा रूम तो कुछ इलाज नहीं है। ओके अभी मैं इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, देखो ये ऐसा लगा दिया और बाद में ऐसा पानी यहाँ पर गिराएंगे, ऐसा मस्त ऐसा खींच के देखेंगे बराबर चकाचक क्लीन होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इधर पानी गिराता हूँ, पूरा गिराएंगे नीचे पानी और सूखना चाहिए मस्त एकदम क्लीन हो जाना चाहिए, कचरा वगैरह जो भी सब कुछ क्लीन होना चाहिए। ये देखो जो भी कचरा है ना अभी मैं गिरा देता हूँ। ओके ये देखो, चलो एक काम करो मैं और थोड़ा कैमरा नज़दीक ला के दिखाता हूँ सिस्टम है। चलो मशीन को मैं भी चालू कर देता हूँ फिर से, फुल पावर में ही कर रहा हूँ मैं कम में कर ही नहीं रहा हूँ। वाओ देखो जरा वाओ पानी बिल्कुल सूख गया देखो, पूरा पानी खींच लिया देखो यहाँ पर बिल्कुल पानी सूख गया। मैं और पानी गिराता हूँ इसके अभी इधर और बाद में दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा ये पानी गिर गया, ये पानी गिरा मैंने, फिर से मशीन चालू करेंगे। वाओ ये देखो बिल्कुल चकाचक क्लीन सूख गया एकदम। हाँ एक्चुअली क्या है ना, इसको थोड़ा आप जितना दबा के करोगे ना तो उतना अच्छा बेटर परफॉर्म करता है वो।
और ये जब रबड़ वाला लगाओगे ना तो उसमें से कचरा कम खींचता है, लेकिन पानी मेन पानी को फ्लोर से ना पानी खींचने के लिए ये सिस्टम है। अरे इधर से टाइट से बिटन है, हाँ ओके। तो ऐसा वो खींचने के लिए, जैसे कि ये वाला रॉड देखो, ये मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो इसको छोटा कर सकता हूँ। देखो आप ऐसे छोटा करके ऐसा काम कर सकते हो, आप चाहे तो इसको बड़ा करके ऐसा काम कर सकते हो। ओके मैं फिर से पानी गिराता हूँ। यस देखो मैं कितना पानी गिराऊंगा उतना मशीन खींच ही लेगा। और एक बार ये देखो, ये देखो हो गया, मतलब पल भर के ना देखो खींच लिया वो। जितना पानी गिराएगा उतना वो खींच लेता है, ऐसा है। सही है, बहुत सही चीज़ है वो। तो दोस्तों आज का वीडियो बना करना बहुत मज़ा आ गया। हाँ तो आप मुझे बताओ आपको कितना मज़ा आया। तो आपका अगर ये मशीन खरीदना है ना, अगर ये मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। एक्चुअली मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही पावरफुल मशीन है, बहुत अच्छा मशीन है। और इसका इतना कीमत नहीं, मुझे लगता है 7,000-7,500 ऐसा कुछ तो है, मतलब कम रेट के अंदर 7,000 के अंदर बहुत सही चीज़ दिया है लोगों ने। बहुत अच्छा मशीन है वो, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली इतना पावर का आप अगर ऐसा नॉर्मली दूसरा कौन सा कंपनी का खरीदने को जाओगे तो 10,000-15,000 ऐसा पड़ता है। तो ये तो कम रेट के अंदर अच्छा फैसिलिटी दिया है। देखो स्टील का जस्ट अच्छा क्वालिटी का स्टील वाला सिस्टम दिया है इसमें, ये कंट्रोलिंग सिस्टम दिया, कितना आपको पावर चाहिए उसके हिसाब से दिया है। मैं तो चाहता हूँ फुल पावर में यूज़ किया है इसको। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ, आपको अगर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।